सो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज मैं अपने लेकर आया एक और लेटेस्ट वीडियो जिसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि एल ए रिवो के अंदर जैसे लेटेस्ट ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग होती है, वैसे अब अपने GT5 के अंदर कैसे लेकर आ सकते हैं। जहाँ पे मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आपके बिलबोर्ड्स लेटेस्ट चेंज हो चुके हैं, और यहाँ पे भी एक और एग्जांपल है कि पहले कौन से बिलबोर्ड्स थे, अब उसकी बिलबोर्ड्स चेंज हो जाएंगे। देखिए, स्पाइडरमैन का लेटेस्ट पोस्टर आपके पास आ जाएगा, ऐसी कई चीज़ें बिलबोर्ड्स आपके पास लेटेस्ट आ जाएंगी। डाउनलोड करने के बाद अपने मॉड अपडेट X64 DLC पैक के अंदर जाना है, और जो ये तीन फाइलें आपको वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट कर देनी है दोस्तों। OpenIV को ओपन करना है एडिट मोड के अंदर, देन आपने जाना है मॉड अपडेट update.rpf कॉमन डाटा और DLCList.xml। इसके एडिट मोड में ओपन करने के बाद जो नीचे एक टेक्स्ट फाइल दी है आपको इस ज़िप फाइल के अंदर, उसके अंदर तीन लाइनों को कॉपी करके DLCList.xml के अंदर एकदम लास्ट में आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपने सेव कर देना, और उसके बाद जैसे आप गेम रन करेंगे तो पूरी आपके जितने भी बोर्ड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो लेटेस्ट की तरह अपडेट हो जाएंगे दोस्तों। आपको एल ए रिवो या बाकी मॉड्स बगैर परचेजिंग करने के लिए मनी नहीं है, तो ये मॉड आपके लिए लेटेस्ट ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट की अल्टरनेटिव के लिए काम करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आते रहें, और मैं और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट GT5 के रिलेटेड और बाकी गेम के रिलेटेड इस चैनल पर लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पासवर्ड आपके सामने आ रहा है दोस्तों, और थैंक यू।